हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक्टिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रही हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स? क्या इनके मन में डीप इनसाइट चलता रहता है आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर? तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिर कर आनी आप ही के पास है, चाहे फिर वो तरीका, वो माध्यम कोई भी कैसे भी क्यों ना हो। ठीक है, एनर्जीज भी बताई जाएंगी जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे। वैसे ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, तो बाय चांस अगर आपकी एनर्जीज नहीं आ रही है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन डीप इनसाइड आपको एडमायर करते हैं। भले ये मुँह पर आपसे कुछ भी बोल रहे हों, आपकी खामियाँ आपको निकाल कर दिखा रहे हों, आप पर भरोसा नहीं करते हैं, जो भी इनके मन में जो भी आपको इस वक्त में जेस्चर दे रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड ये पर्सन आपको आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। एज इन कि आप उस मुकाम पर अपने आप को पहुंचा रहे हो या आप उस वक्त पे लड़ रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, जिस वक्त में शायद अगर ये होते तो ये कब के बिखर गए होते। तो डीप इनसाइड ये पर्सन आपको उन चीज़ों के लिए एडमायर कर रहे हैं जिन चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत जल्द गिव अप कर दिया, बहुत जल्द ये उन चीज़ों से डर कर चुपचाप होकर बैठ गए हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये आपको एडमायर करते हैं। यानी कि पॉसिबिलिटी ये है कि जब इस रिश्ते का एंड हो रहा था तब आपने इस रिश्ते से तुरंत गिव अप नहीं करा, आपने बहुत कोशिश करी इन्हें मनाने की, रास्ते निकालने की, लेकिन इस पर्सन ने बहुत जल्द गिव अप इस रिश्ते से कर दिया। ये पर्सन इसी रीज़न की वजह से डीप इनसाइड आपके साथ अभी भी फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी हो, एक ऐसे इंसान हो जो हिम्मत देना जानते हो, यानी कि आप हिम्मत छीनना नहीं जानते हो। बहुत से लोग होते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है, जब हिम्मत जवाब देने लगती है, तो और लोग बहुत जल्द टांग खींचना शुरू कर देते हैं, गिराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो कि जब ज़रूरत पड़ती है हिम्मत देने की तब आप वॉक अवे नहीं करते हो, बल्कि तब आप उस वक्त में डटकर सामना करते हो। तो ये पर्सन डीप इनसाइड आपको अपनी वो हिम्मत मानते हैं और उस हिम्मत को वापस से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। आपको एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में नेगेटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में पॉजिटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना, यानी कि एक ऐसे पर्सन हो, एक बैलेंस्ड एनर्जी हो कि आप हालातों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, देख लेते हो, अपने आप को उसी तरह से बना लेते हो, यानी कि जब भी जैसा भी चैलेंज होता है आप सामने वाले को सपोर्ट करने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो। तो डीप इनसाइड ये आपको ऐसा देखते हैं, उस चीज़ के लिए एडमायर करते हैं, आपको अपने ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, यानी कि डीप इनसाइड इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके बिना अधूरे हैं, आप दोनों एक ऐसी सोल हो जो टुकड़ों में डिवाइड है। अगर आप इनके पास नहीं हो या इनका वो टुकड़ा इनके पास नहीं है तो ये उसके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो ये डीप इनसाइड आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, यानी कि ये
डेफिनेशन को नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट क्या होता है, लेकिन बिना आपके अपने आप को अधूरा ये डेफिनेटली महसूस करते हैं। ये आपके साथ ना अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने अकेलेपन को भरना चाहते हैं। वो इनके मन में डीप इनसाइड चलता है, यानी कि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेकर रहता है कि कब एक ऐसा वक्त आएगा जब आप लोग एक दूसरे के साथ अपना समय व्यतीत करोगे, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करोगे, अपने इमोशंस को क्लियरली बताओगे, यानी कि उस इमोशंस को बताने में किसी भी तरह का मैन्युपुलेशन नहीं होगा, पॉलिश्ड करी हुई वो एनर्जीज नहीं होगी। यानी कि इन्हें पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो मैन्युपुलेटिव बातें ना तो सुनना पसंद करते हो ना सुनाना पसंद करते हो। क्लियरली जो आपके मन पे है आप वो बोलते हो, एकदम नेचुरल पर्सन हो आप। तो वो चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपसे वापस से रिकनेक्ट होना चाहते हैं या आपकी बातों को सुनना और समझना चाहते हैं। जो भी इनका नज़रिया कभी एक वक्त पे आपको लेकर बदला था, उस नज़रिए को लेकर ये पर्सन डीप इनसाइड क्लियर है। वो बात और है कि उस चीज़ को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना बता रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड उस चीज़ को लेकर डेफिनेटली ये पर्सन पूरी तरह से क्लियर यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या चलता है इनके डीप इनसाइड आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए एक्सिस्टेंस, क्या चलता रहता है इनके मन में डीप इनसाइड। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स क्या चलता रहता है व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में कंपेयर है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स क्या चलता रहता है डीप इनसाइड। फ्रेंडलीनेस, गाइड कीजिए बताइए। सॉरो एंड ओवरऑल एनर्जी है क्लींजिंग टू द पास्ट। तो अभी तक जो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपकी टॉरस की एनर्जी हो गई है, वो आपकी जेमिनी की एनर्जी हो गई है। तो मेजरली यहाँ पर यही एनर्जीज हैं, हालांकि अभी और भी कार्ड्स निकाले जाएंगे। तो बेसिकली डीप इनसाइड इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आप लोगों के बीच में पास्ट में जो भी गिले शिकवे हुए हैं, जो भी एक दूसरे को लेकर मन मुटाव हुए हैं, वो मन मुटाव, वो गिले शिकवे किसी भी तरह से दोनों के मन से, दोनों के दिल से, दोनों के दिमाग से क्लींज हो जाएं। और ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि किसी तरह से आप दोनों का एक दूसरे को लेकर जो नज़रिया अभी अलग होने को लेकर है वो नज़रिया बदल जाए, चाहे फिर वो उसमें आप हो, ये हो, या दोनों ही क्यों ना हो। यानी कि ये आपके साथ के रिश्ते को आपको एक नए दृष्टिकोण से देखना भी चाहते हैं, देख भी रहे हैं और आपको दिखाना भी चाहते हैं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डीप इनसाइड, किसी से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि ढोल नहीं पीट रहे हैं, मैं उसे याद करता हूँ, करती हूँ, मुझे उसे मैनिफेस्ट करना है, मुझे इसे लेकर आना है, बस वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन डीप इनसाइड आपको याद करते हैं, आपके अस्तित्व को महसूस करते हैं और उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका कंपेयर अपने आप से कर रहे हैं, एज एन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मानकर देख रहे हैं कि इतने बुरे वक्त में भी आप लड़ रहे हो, स्टैंड ले रहे हो अपने लिए, अपने प्यार के लिए। तो आपका कंपेयर अपने आप से करते हैं ये कि इन्होंने कुछ भी नहीं करा और आप बहुत ज़्यादा लड़े, डट कर आपने सामना करा। आपको अभी भी अपना एक दोस्त मानते हैं, दोस्त की तरह ये आपको देख रहे हैं और उस दोस्ती के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डीप इनसाइड अट्रैक्टेड भी हैं कि मुझे किसी तरह से ये दोस्ती मिल जाए, मुझे मेरा प्यार मिल जाए, वापस से हम लोग रीयूनाइट हो जाएं। मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं लेकिन कुछ आ नहीं रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिस रीज़न की वजह से डिस्टर्ब भी रहते हैं और परेशान भी रहते हैं और काफ़ी उदास भी रहते हैं ये पर्सन डीप इनसाइड। यानी कि मन में एक उथल पुथल चलती रहती है कि जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, वो सामने आ नहीं रहा, प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं डीप इनसाइड इनके मन में, इनके दिल में और क्या चलता रहता है आपको लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चलता रहता है, गाइड कीजिए
द हाई प्रीस्ट। डेफिनेटली ये पर्सन ना आपको डीप इनसाइड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हर वक्त जैसे आंख बंद करते हो तो आपकी याद आ रही है, आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपके साथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ये है आपकी कैंसर की एनर्जी। तो डेफिनेटली आपके पर्सन डीप इनसाइड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंट्यूशनली ये आप ही तक अटैच्ड अभी भी हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। गाइड टीचर बताइए। पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। पॉसिबिलिटी है एज गैप हो आप लोगों के बीच में। ये पर्सन छुप छुप कर आप पर निगाहें बनाए हुए बैठे हैं, आपकी जैसे तहकीकात कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, कैसे हो, उन चीज़ों पर निगाहें इस पर्सन की हैं। लेकिन इस चीज़ की खैर खबर आपको नहीं है, क्योंकि डीप इनसाइड ये जो आपको स्पाई कर रहे हैं वो उसकी वजह ये है कि ये आपके लिए अभी भी अट्रैक्टेड है, आपके साथ के लिए, आपके साथ वापस से रीयूनाइट होने के लिए ये पर्सन अभी भी अट्रैक्टेड हैं। इस रीज़न की वजह से ये आपसे छुप छुप कर आपको स्पाई कर रहे हैं, ये एनर्जीज है। न्यू विज़न के मामले में डीपेस्ट फीलिंग्स इस पर्सन की, गाइड कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि। तो बेसिकली अभी तक आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि इनके जाने के बाद आप परेशान रहोगे, आप उदास रहोगे, आप अकेला फील करोगे, आप स्टक रहोगे, लेकिन इनका इस चीज़ को लेकर नज़रिया पूरी तरह से बदला है। यानी कि इनका नज़रिया इस चीज़ को लेकर ये हुआ है कि आपके जाने के बाद या आपसे दूर होने के बाद अकेले ये भी हुए, स्टक ये भी हुए, परेशान ये भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन का नज़रिया जो इस चीज़ को लेकर था कभी एक वक्त में कि इन आप दोनों के दूर होने के बाद जो ज़्यादा पड़ेगा वो आपके ऊपर पड़ेगा, इस पर्सन के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो उस चीज़ की क्लियरिटी डीप इनसाइड इस पर्सन को अब हो गई है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इन्हें डेफिनेटली किसी पॉइंट पर ऐसा लग रहा होगा, तभी यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये आपसे दूर क्या जाएंगे, अल्टीमेटली आप ही परेशान रहोगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। द लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है ये यहाँ पर। तो बेसिकली आपके पर्सन ना आप जो इन्हें इस रिश्ते में दे रहे थे प्यार, सपोर्ट, केयर, जो भी आप इस रिश्ते में इन्हें दे रहे थे, उस चीज़ की इन्हें डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा याद आती है। या आपके जितने ये करीब आ चुके थे, आप इनके जितने करीब आ चुके थे, जितना आप दोनों एक दूसरे के सामने ओपन थे, उन सब चीज़ों की डीप इनसाइड इस पर्सन को याद आती है। डेफिनेटली ये आपको अपनी सोल का एक पार्टनर, सोल का एक पार्ट मान रहे हैं, ये चीज़ें तो पूरी तरह से यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। फ्रेंडलीनेस के मामले में वियर्स के पर्सन की क्या है टू डीपेस्ट फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो भाई देखो, डीप इनसाइड ये पर्सन आपके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी आपके लिए इमोशनल हैं, अभी भी आपके साथ वो दोस्ती ये पर्सन चाहते हैं। और इवन जो इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, या इस रिश्ते में जो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको एक वक्त पे जाहिर नहीं करी हैं, वो फीलिंग्स ये पर्सन आपको फिर से बताना चाहते हैं, ताकि आप लोग फिर से रीयूनाइट हो जाओ। तो डीप इनसाइड ये पर्सन अभी भी आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और क्योंकि अटैचमेंट होने से ही अब इनकी साइड से कोई कुछ हो नहीं सकता, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान भी रहते हैं, ये भी है, ठीक है। डीप इनसाइड ये हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो गए हैं, एज एन कि इन्हें क्लियरिटी मिल गई है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी कितनी बेरंग है, या आपके बिना ये कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, आपके बिना ये इमोशनली कभी भी अपने आप को फुलफ़िल हुआ हुआ नहीं फील कर पाएंगे। यानी कि एक सेटिस्फेक्शन जो इन्हें आपके प्यार में, आपके साथ में मिलता था, वो कभी भी इन्हें नहीं मिल पाएगा, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। तो डीप इनसाइड जो भी इनका नज़रिया आपको लेकर गलत था ना, वो क्लियर यहाँ पे हो चुका है। वो बात और है कि ये अपने नज़रिए को कितना जाहिर कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें
खुद से डीप इनसाइड हर एक चीज़ की क्लियरिटी हो गई है कि ये आपको अभी भी पागलों की तरह, दीवानों की तरह प्यार करते हैं, ये अभी भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं, अभी भी आपके बिना अकेले और अधूरे हैं, आपके बिना इनकी लाइफ बिल्कुल बेकार है, एज एन बिल्कुल पावरलेस है। तो वो चीज़ें इन्हें पता हैं, डीप इनसाइड ये यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब इस पर्सन के मैसेजेस और देखते हैं कि डीप इनसाइड ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए ये क्या कहना चाहते हैं, गाइड कीजिए। आई डोंट वॉना हाइड दिस लव। तो देखिए, ये पर्सन जो डीप इनसाइड आपके लिए महसूस करते हैं उसे आपसे हाइड नहीं करना चाहते हैं, या आपसे ये कहना चाह रहे हैं, नथिंग एल्स मैटर बट यू। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं डीप इनसाइड कि अब कुछ भी चीज़ें ना, कोई भी चीज़ें फ़र्क नहीं डालती हैं सिवाय तुम्हारे, तुम्हारी दूरियों के, तुम्हारे साथ के, तो और कोई चीज़ें अब मेरे लिए मैटर नहीं है जितनी कि तुम हो। तो ये आपसे डीप इनसाइड ये कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं डीप इनसाइड कि ये आपको अपने करीब लेकर आना चाहते हैं, या आपके करीब आना चाहते हैं, अपने करीब ही आपको रखना चाहते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे हैं। Even though we are not together, I just can't see myself letting you go. तो deep inside ही आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हालांकि हम लोग अभी एक दूसरे के पास नहीं हैं, लेकिन ना मैं ये चीज़ें देख नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि तुम मुझसे दूर चले गए हो या मैं तुमसे दूर हूँ। I am deeply sorry that I walked away from you. तो deep inside sorry feel करते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी से चले गए, walk away इन्होंने कर लिया, तो इस चीज़ के लिए ये आप से सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ये भी है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, डीप इनसाइड कहना चाह रहे हैं, डीप इनसाइड ये कहना चाह रहे हैं, यू आर परफेक्ट फॉर मी, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। I have told my friends about you. अब ये आपके बारे में अपने दोस्तों से बोलते हैं, क्योंकि इनकी निगाहें आपके ऊपर ही हैं, आपके बारे में छानबीन करनी है, तो ऑब्वियसली बात तो इन्हें अब आपके बारे में अपने दोस्तों से करनी ही होगी, और ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। I want to hold you, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। तो डीप इनसाइड आप इनके मन में चल रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली कंफर्म हो रही हैं, बस वो बात और है कि अब ये जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों के लिए ये खुद से सॉरी हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि क्या है इस पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इनसाइड ये आपके लिए क्या सोचते हैं। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।